भारतीय किसान यूनियन दो धड़ों में बंट चुका है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक नाम से एक अलग संगठन बन गया है। अराजनैतिक संगठन के निशाने पर बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत और बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं। अराजनैतिक के नेता टिकैत बंधु के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और दोनों भाइयों पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सरकार विरोधी रुख अपनाए हुए राकेश टिकैत का अंदाज अब धीरे धीरे बदल रहा है। मोदी और योगी सरकार पर खुलकर हमला करने वाले राकेश टिकैत अब सरकार की आलोचना करने से बच रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि वो सरकार के विकास नीतियों के विरोधी नहीं है। दरअसल राकेश टिकैत एक महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम सरकारों की विकास की नीतियों के विरोधी नहीं हैं, पर सरकारें अगर किसान के विरुद्ध विनाश नीतियों को लेकर आएगी तो हम उसका पूरे देश में पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। वहीं टिकैत ने जेवर एयरपोर्ट में जा रही जमीन पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने एयरपोर्ट में जा रही जमीन पर सही मुआवजा देने की मांग की। किसान नेता ने कहा कि हवाई अड्डा परियोजना ने जेवर में स्थानीय लोगों को प्रभावित किया है। उन्हें उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले कुछ मुआवजे का आश्वासन दिया गया है, लेकिन हम स्थानीय अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन के वक्त से ही सरकार विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जब ये आंदोलन खत्म हुआ तब टिकैत विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते रहे। कई बार सीधे तौर पर भी वो बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं, जिसके कारण बीजेपी उन्हें विपक्ष के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाती रही है। हालांकि चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद टिकैत के तेवर में नरमी देखी गई है, लेकिन अब टिकैत ने ये कहकर माहौल गर्म कर दिया है कि वो सरकार की विकास नीतियों के विरोधी नहीं है। माना जा रहा है कि अराजनैतिक नाम से अलग किसान संगठन बनने के बाद अब टिकैत का झुकाव भी मोदी सरकार की तरफ बढ़ रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।